यो व्हाट्सअप बिगिनर्स, क्या हाल चाल। तो वैसे आज किस वीडियो में हम हेडशॉट कैसे लगता है और रैंक उस कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो वैसे उससे पहले एक इंट्रो हो जाए। तो वैसे ये इंट्रो में न्यू इंट्रो है, तो ये इंट्रो में मैं सब वीडियो पे डालूंगा क्योंकि नया इंट्रो हो गया। तो वैसे पहले हम बात करते हैं अपने गेम के सेटिंग के बारे में। तो वैसे सबसे पहले अपना सेंसिटिविटी चेक करना होता है क्योंकि उसमें रेडर को मैं अपना 30 पे रखता हूँ। आप कितना रखते हो कमेंट बताना, ठीक है। अब आपको चलाना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में, क्योंकि ना ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको वहीं पर सब कुछ होना होगा। चप्पा ये दिख रहा ना, ये रेड डॉट, ये जो बनता है रेड डॉट अपना एम करने वाला, उसको आपको अपने कंधे के पास रखना होगा, ठीक है। जिसे मतलब जरूरी नहीं है कि आप बार बार उसको कंधे पर सेट करो फिर बंदे मारो, आप कहीं पर भी रख के मार सकते हो। ऐसे कि मैं ऐसे वो कर रहा हूँ, तो मतलब घुमा दे रहा हूँ मैं फट से और लग जा रहा है उसी पे। मतलब जैसे ही रेड होता है उसी आप अपना फायरिंग बटन ऊपर की साइड ब्रेक कर, नीचे का साइड नहीं। ये तो गाइस मतलब ना नीचे अगर ब्रेक करते हैं, ऐसे दूसरे यूट्यूबर बताते हैं कि नीचे ब्रेक करने पर फट लगता है, तो उससे मतलब ना पूरा स्क्रीन घूम जाता है, नीचे से ऊपर होता है तो उतना लगता नहीं है। तो ऊपर ड्रैग करना, जैसे मैं कर रहा हूँ ड्रैग, देखो UMP से मार रहा हूँ, तो ज़्यादा ड्रैग करने पर मेरा उसी बॉडी लग रहा है, उसी मैं उसको अप किया हूँ तो हेडशॉट ऊपर लग ही जा रहा है उसको। और अभी मैं मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा था जब मैं ये वीडियो को गेमिंग को, तो उसमें ना मेरा क्या बोलते हैं चार्जिंग बहुत था फोन, इसलिए मैं ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो उसे परामर्श लेते हैं वन टैप वाला गन जो कि SC-80 है, तो उसको लेके देखो मैं कैसे करता हूँ। तो बस देखो मेरा यहाँ पर जो ये फायरिंग बटन है, इसको मतलब मैं अप के साइड वो करता हूँ, मतलब थोड़ा सा राइट लेके अप, नीचे से नहीं लेता। मतलब हेड शॉट लगने का पूरा इसी में पूरा होता है, जैसे ही रेड होगा उसी आप लोग फायरिंग कर देना, पूरा एम करने जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जितना जगह आपको दिखाता हूँ मैं ट्रेनिंग में जाके कि ट्रेनिंग में कैसे होता है और किस टाइप से मतलब मार सकते हो हेड शॉट पे हेड शॉट। तो किस मैं अभी मतलब ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पर फास्ट कर दिया ट्रेनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ट्राई कर रहा था, मतलब पूरे बंदे यहाँ पर क्या ही मेरे पास स्पैम करते हैं भाई ट्रेनिंग में। आजकल केवल क्या होता रहता है कि बंदे पीछे से मारते रहते हैं, वैसे मेरा से मतलब ना देखो मारने का ये तरीका होता है कि जैसे आपका ये रेड होता है, जैसे अगर रेड होता है उसी फायरिंग कर देना, बंदे का सीधे तो लगना पूरा कन्फर्म है। तो यहाँ पर तो मैं बार बार मर ही जा रहा हूँ, ऐसा मतलब कि लगता नहीं है क्योंकि बंदे हर जगह पर फैले हुए हैं भाई, जहाँ पर स्पॉन हो वहीं पर मार दे रहे हैं। बस ये बात छोड़ो, बस मेरा मैं बोल रहा था कि अपना ये जॉयस्टिक है ना, ये जो मतलब हम फायरिंग करते हैं ब्रेक करने वाला, उसको हमेशा हल्का राइट और अप कर देना, जिससे मतलब तुम्हारा हेडशॉट लग ही जाता है। तो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर एक हेडशॉट मार देता हूँ, मतलब थोड़ा सा अलग ही टाइप से, क्योंकि मतलब मैं फ़ोन चार्जिंग पर था और मैं इसी गेम और रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे मतलब मेरा ठीक से मूवमेंट नहीं बन रहा था। यहाँ पर इसको मैं ट्राई कर रहा था हेडशॉट करने का, पर नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखना मेरा पूरा एक ड्रैग हेडशॉट का, देखो तो वैसे देख लिया। यहाँ पर मेरा जो रेड डॉट था उसका एम अलग साइड था और मैंने सिर्फ हल्का सा ब्रेक किया, सीधे उसके हेड पे लग गया। तो वैसे ट्रेनिंग में मतलब ऐसा होता है, और फुल मैप में भी ऐसे करना, मतलब थोड़ा सा रेड होने पर फायरिंग कर देना। चलते हैं हम लॉबी पे और क्लासिक मैच स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको रैंक पुश करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। मतलब रैंक पुश कब लोग कहीं पर उतर जाते हैं, जैसे कि अपना जो एरोप्लेन हो गया, हाँ जहाज हो गया, वो मतलब जाता है तो उसके आगे साइड ही हमें फर्स्ट तक उतर जाते हो, कोई गलती करते हो भाई। देखो हमारा जहाज किधर से आ रहा है, देखने तो तुम्हारा का जहाज इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। देखो मैं मार्क कर देता हूँ, इस डायरेक्शन से आ रहा है हमारा जहाज, ओके। तो हमें इधर साइड या फिर सेंटोसा, मतलब जहाँ जहाँ आ रहा है जैसे उधर ही जाना है,
उसके आगे साइड पे मतलब लास्ट ट्रेन में उतरना है, लास्ट साइड पे, ठीक है, जहाँ पाची लोट मिलती है, पीछे नहीं उतरना है बिल्कुल भी। इससे तुम्हारा रैंक मैच है, रैंक कभी माइनस होगा और मैच भी ख़राब जाएगा। तो क्लासिक मैच मैंने स्टार्ट किया था, तो ये बताने के लिए मैंने मैच स्टार्ट किया। अब देखो क्लासिक मैच में तो ऐसा नहीं होगा कि बंदे पीछे उतरेंगे, क्लासिक मैच में सबको किल चाहिए, इसलिए सब इधर साइड उतरेंगे जरूर। पर रैंक मैच में ऐसा नहीं होता, लोग फर्स्ट से उतरते हैं, उतरते ही क्यों शुरू करते हैं, हेड शॉट पैड शॉट। अब यहाँ पर देखते हैं कोई मुझे मार दे जल्दी, हम लॉबी पे चलते हैं, फिर आप लोग से मिलता हूँ फटाफट से। ये बंदा दिखा, आपको दिखा गाइस बंदा एक, वो देखो भाई खतरनाक, मेरा चिल के निकाह है भाई, इसलिए मारना पड़ेगा भाई, मुंबई को टैमेज हो गया, चलो मरते हैं इसी फटाफट से, दिखते हैं। तो वैसे देखो मेरा हेड शॉट लगाना उसका खतरनाक, उसका देखो हेलमेट फोड़ा मैंने, खतरनाक उसका हेलमेट फोड़ दिया। तो गाइस चलो फटाफट चलते हैं बैक, और बैक जाके आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ कि क्या करना है आपको फ्रेंड अपना लॉबी पे जाके, और बस हम बैक होते हैं। तो गाइस अपना लॉबी पे आने के बाद एक चीज़ आपको और चेक करना होगा अपना सेटिंग में, ठीक है। तो इस बहुत लोग के पास 2GB रैम 3GB रैम होता है, तो जो 2GB रैम वाला है वो अपने जो ग्राफिक्स होता है उसको अल्ट्रा पे नहीं रखना बिल्कुल, तो लैग होगा बहुत ज़्यादा। आप अगर ना सिर्फ 2GB रैम वालों को इस मोड पे, स्मूथ पे मतलब मोड तो दिखता है, तो स्टैंडर्ड पे कर सकते हो, तो बस लैग करेगा लेकिन। तो मेरा तो फ़ोन 4GB वाला है, 4GB रैम का, तो इसमें अल्ट्रा ग्राफिक्स खेलता हूँ मैं, तो दिखाता हूँ चलो इसमें ट्रेनिंग पे जाके, सेटिंग पे जाके ट्रेनिंग। तो देखो गाइस मेरा जो ग्राफिक्स है वो अल्ट्रा पे रहता है, क्योंकि मेरा 4GB रैम है जो वो आराम से चल जाता है, वो कर लेता है, मेरा गेमिंग फ़ोन है। तो इसे आप लोग को स्टैंडर्ड पे ही रखना है, जिससे आपका इमोट भी दिख जाएगा और अच्छा गेम प्ले भी जाएगा। तो आप लोग को ये बताना था कि ऐसा रखना। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, गुड बाय।